और तहरीक इंसाफ के एमएनए डॉक्टर आमिर लियाकत ने फैसल वाडा को सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार होने का मशवरा दे दिया। हफीज शेख को वोट देने के सवाल पर कहा कि कल हिफाजत करने वाला जीत जाएगा और हुसन हारेगा। 24 न्यूज़ के नुमाइंदे अवैस कयानी से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद का कहना था, आपको दिखाते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों से जब से पार्लियामेंट में आ रहे हैं, ऐवान में बैठते हैं, तो इनको अरकान जो हैं वो घेरा डाल लेते हैं, हर कोई इनसे मिलने की कोशिश करते हैं और आज आप बिलाकर वज़ीर आज़म से मिल आए हैं। ये बताएं कि हफीज साहब के साथ जो मामला था वो तय हो गए, अब नाराजगी वाली बात हुई नहीं है। मैंने वज़ीर आज़म को बताया कि हिफाजत करने वाला जीतेगा, हिफाजत करने वाला जीतेगा और हुसन हार जाएगा। हफीज साहब आज हमें मिले हैं, जब आप पीएम से नीचे गए थे अपनी गाड़ी पर तो हमें मिले हैं, तो थोड़ा सा वो थोड़ा बहुत लग रहा है कि घबराए हैं, तो क्या घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, लेकिन क्या आप उनको वोट करें? मेरे का हिफाजत करने वाले जीते, अब सुना है बीच में। अच्छा ये बताएं वो कराची से फैसल वाडा साहब ने भी कोई होटल वगैरह, फैसल वाडा साहब को मैं असल में एक मशवरा देना चाहूँगा कि वो क्योंकि हम मार 900 वोटों से जीते शहबाज शरीफ में सेनेट के में वो मुंतखब तो हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने जो तारीख रखी है शहरियत तक करने की, वो सेनेट रिफॉर्म में कुछ और है और कौन असेंबली रिफॉर्म में कुछ और। तो आपका मशा ये होगा कि आप कैबिनेट मेंबर एमएनए ही रहे? रिटेन रहे। बड़े जनाब वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहे हैं, पूरा पूरा होटल बुक हो चुका है, एफर्ट तो कर रहे हैं आपके कराची में और किधर? अच्छा कौन सा होटल है?